हेलो एवरीवन, क्लास 12 विषय हिंदी पाठ संख्या सेकंड। डियर स्टूडेंट, पीयूष प्रवाह पुस्तक का सेकंड अध्याय, पाठ का नाम है सत्य के प्रयोग। ठीक है, इसमें अब तक हमने क्या पढ़ा कि गांधी जी ने सत्य के प्रयोग के अंतर्गत बतलाया कि अनाहार के प्रति उनकी श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती गई। उन्होंने बतलाया कि अनाहार के संबंध में हमें जितनी पुस्तकें मिली सब पढ़ डाली। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि उनके जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान बना दिया। फिर मांसाहारी मित्रों का चिंतन। गांधी जी ने बतलाया कि बढ़ते हुए अनाहार के प्रभाव को देखकर मेरे उन मांसाहारी मित्रों की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने प्रेमवश यह माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा, यही नहीं बेवकूफ़ बना रहूंगा, मुझे जो करना है उसे भूल जाऊंगा और पोथी पंडित बन बैठूंगा। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का प्रयास किया। उनके साथ ही हार्मन भोजन गृह में भोजन करने लगा, जहाँ मांसाहारी भोजन की व्यवस्था की गई। मेरे द्वारा इनकार करने पर उन्होंने कहा कि यहाँ यह जंगलीपन नहीं चलेगा, यदि तुम चाहते हो तो बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर ही हमारी प्रतीक्षा कर लेना। ठीक है, अभी सभ्यता सीख, ये इतना मैंने बेटा आपको पढ़ाया। इसी बीच देखिए लेखक क्या कह रहे हैं, लेकिन हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था, ना हमारा संबंध टूटा ना उसमें कटुता आई। सारे प्रयत्नों के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान गया। ठीक है, इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ा। पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। देखिए गांधी जी क्या कह रहे हैं कि गांधी जी ने अपने मित्रों से संबंध न तोड़ने के लिए और अनाहार की अपनी विचित्रता छिपाने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे एक छिछला रास्ता पकड़ा। उन्होंने सभ्य बनने के लिए आर्मी और नेवी स्टोर से कपड़े सिलवाए, जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चैन मंगवाई, आईने के सामने खड़े होकर टाई बांधने की कला सीखी और मांग निकालकर बाल संवारने लगा। इतना ही नहीं, सभ्य बनने के लिए नृत्य सीखने के लिए नृत्य कक्ष में भी भर्ती हुआ, भाषण कला सीखने के लिए एक शिक्षक के घर जाने लगा और वायलिन सीखने के लिए उसे भी 3 पौंड में खरीदा। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया बेटा, और मैंने आर्मी और नेवी स्टोर के कपड़े सिलवाए। ठीक है, 19 शिलिंग की उस जमाने की लिहाज में तो यह कीमत बहुत ही कही जाएगी। चिमनी टोपी सिर पर पहनी, इतने से संतोष न हुआ तो ब्रांड स्ट्रीट में जहाँ शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे, 10 पौंड पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई। भोले और बादशाही दिल वाले बड़े भाइयों से दोनों जेबों से लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चेन मंगवाई और वह मिल भी गई। बंदी बंधाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार नहीं था, इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत थी। देश में आईना हजामत के लिए ही देखने के लिए मिलता था, पर यहाँ मैं बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधने में और बालों की पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज लगभग 10 मिनट तो बर्बाद होते ही हैं। बाल मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश झाड़ू ही समझिए के साथ रोज लड़ाई चलती थी, और टोपी पहनने तथा निकलते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता है, और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने की एक और सभ्य क्रिया बराबर चलती ही रहती है। पर इतनी टीम टाम
ही काफ़ी नहीं थी। अकेली सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़े ही बना जा सकता है। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए कि सिर्फ पोशाक सभ्य पहनने से ही व्यक्ति सभ्य नहीं बन सकता। ठीक है, सभ्य सीखने की धुन। गांधी जी ने अपने मित्र से देखे संबंध नहीं छोड़ना चाहते थे, और वो खुद क्या है, गांधी जी ने क्या कहा कि इतना ही नहीं, सभ्य बनने के लिए नृत्य सीखने के लिए नृत्य कक्ष में भर्ती हुआ, भाषण सीखने के लिए भाषण शिक्षक के घर जाने लगा, वायलिन सीखने के लिए भी उसे 3 पौंड में खरीदा। गांधी जी ने बताया कि सभ्य बनने की धुन के बीच ही बेल साहब ने मेरे कानों में घंटी बजाई और मैं जाग उठा। पर इतनी टीम टाम ही काफ़ी नहीं, अकेली पोशाक ही सभ्य थोड़ी ही बन सकती है। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे और मैं उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा है और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी है। ठीक है, और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया, एक कक्ष में भर्ती हुआ, एक सत्र के करीब 3 पौंड जमा किए, कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे होंगे। पैर ठीक से तालबद्ध न पढ़ते थे, पियानो बजता था पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आता था। 1 2 3 चलता, जो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हुआ, चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय, या बाबा जी या परिवार बड़ा, उसी तरह मेरे लोभ का परिवार भी बड़ा। वायलिन बजाना सीख लूँ तो सुर और ताल का ख्याल भी हो जाएगा। 3 पौंड वायलिन खरीदने में गवाए और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरा शिक्षक घर पर खोजा गया। ठीक है, एक गिन्नी तो भेंट की ही है, बेल की स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक खरीदी, पिट का एक भाषण शुरू किया। इस बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई, मैं जागा। मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण करना सीखकर मैं क्या करूँगा, नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूँगा, वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। देखिए गांधी जी क्या कह रहे हैं, मुझे इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण करना सीखकर क्या करूँगा, नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूँगा, वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्या धन बढ़ाना चाहिए, मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे ये लोग छोड़ना चाहिए। इन विचारों की धुन में मैंने उपयुक्त आशय के उद्गारों वाला पत्र भाषण शिक्षक को भेजा। उसमें मैंने दो या तीन ही पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा। वायलिन शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुंचा। उन्होंने 10 दाम में भी वे बिके बैच डालने की इजाज़त दे दी। इसके साथ कुछ मित्रता का संबंध हो गया। इस कारण मैंने उससे अपने मोह की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की। सभ्य बनने की मेरी यह सनक लगभग 3 महीने चली होगी। पोशाक की टिम टाम तो बरसों चली, पर अब मैं विद्यार्थी बना। ठीक है बेटा, आखिर इसके बाद क्या है, बलवंत से भिड़ंत। देखिए, अब एशियाई अधिकारियों की ओर लौटो। एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना जोहान्सबर्ग में था। मैं ये देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी चीनी आदि का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता है। ठीक है, भक्षण होता है। मेरे पास
रोज शिकायतें आती हैं, ये कहकर कि दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले 100 पौंड देकर चले आ जाते हैं। इतना कहकर इसका इलाज आप नहीं करते तो और कौन करेगा। मेरी भी यही भावना है कि यदि यह लेखक के गांधी जी क्या कह रहे हैं, मेरी भी यही भावना है कि अगर ये है सड़ांग दूर न हो तो मेरा ट्रांस वाला वह बसना व्यर्थ माना जाएगा। मैं प्राण जुटाने लगा, तब मेरे प्राण प्रमाणों का अच्छा संग्रह हो गया था, तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा कि उनसे दया और न्याय की वृत्ति मेरी बात बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उन्होंने मुझे धीरे से सुना और प्रमाण उपस्थित करके कहा गवाहों के बयान उसमें स्वयं ही लिए। उसे विश्वास हो गया, पर जिस तरह मैं जानना चाहता हूँ, उसने कहा फिर भी हम प्रयत्न तो करें। ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाए, इस डर से उन्हें न पकड़ना भी उचित था और नहीं तो उन्हें पकड़वाऊं। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं रखूंगा। मुझे तो विश्वास था, दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था ही, पर उन्होंने विरुद्ध मेरे पास कमज़ोर प्रमाण पत्र या दो के बारे में कोई संदेश नहीं था। आते हो दो के दो वारंट मिले। देखिए इसमें क्या बताया गांधी जी ने बताया कि सभ्य बनने की धुन के बीच ही बैल साहब ने मेरे कानों में घंटी बजाई, अर्थात सभ्य बनने के लिए यह सनक 3 महीने पहले चली। अब मैं लक्ष्य के प्रति उन्मुख नहीं हो रहा। फिर गांधी जी ने क्या बताया कि गांधी जी ने बलवान की एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना जोहान्सबर्ग में था, उस थाने में हिंदुस्तानी चीनी आदि रक्षण न होकर भक्षण होता था। वहाँ हाहाकार दाखिल न होकर बिना एक वाले 100 पौंड देकर दाखिल हो रहे हैं। शिकायतों को ट्रांसवाल में रहना बेकार है। उन्होंने इसके लिए प्रमाण जुटाने और पुलिस कमिश्नर से मिले। इन हिंदुस्तानियों और चीनियों के सहयोग से भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़वाया। इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी और मैं मेरे कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि मैं जिन गोरों के संपर्क में आया वह मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे और मुझे मधुर संबंध उनसे रखने लगे। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे की क्लास में कराऊंगी। ओके, जो भी कराए बेटा उसे अच्छे से पढ़ो, चैप्टर से रीडिंग लगाओ, फिर वीडियो सुनो। कोई भी डाउट्स ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।